नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ भारत के लगभग 10 राज्यों में अपनी राम कथा और कृष्ण चरित्र से दर्शकों को सराबोर करने वाले और शायद ही मध्य प्रदेश का कोई ऐसा जिला और कोई ऐसा हिस्सा छूटा हो जहां पर इनकी भक्ति कथा प्रवाह का रसपान लोगों ने ना किया हो। ऐसे राम कथा और कृष्ण प्रेम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे अभिषेक रसिक जी हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार अनुपम भाई जी। तो आपके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है धर्म प्रचार का, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो साहित्य की बात करें या संगीत की बात करें या फिर अभिनय के क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं एक फूहड़ता, एक अश्लीलता वहाँ पे आती चली जा रही है। तो ऐसे में जो धर्म प्रचार का काम आप कर रहे हैं ये बहुत ही प्रासंगिक कार्य है आज के दौर को देखते हुए। जी जी। तो इस कार्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इस बारे में थोड़ा सा दर्शकों से कुछ बताएं आप। इस कार्य की प्रेरणा मुझे तो वैसे अपने घर से मिली। जी। जो मेरे माँ बाप हैं वो सभी भगवान को मानते हैं। जी। क्योंकि आज के परिवेश में लोग भगवान को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। जी। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग सिर्फ जाने नहीं, उनको माने और उनके कहे हुए जो मार्ग हैं उस पे चलें। इसलिए मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता हूं और उन्होंने प्रेरणा दी कि बेटा इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, भगवान का भजन करो और जहाँ उसके लोगों से जुड़ो और उनको भी प्रभु की महिमा के बारे में बताओ। तो मुझे ये प्रेरणा मेरे घर से मिली है। और आपके द्वारा भक्ति रस प्रवाह के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो पूरे देश भर के लिए है। लगभग एक वर्ष का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश भर में आप कृष्ण चरित्र राम भक्ति से जुड़ी ही कथाएं जो है तो लोग के बीच लाने का काम कर रहे हैं। जी। तो इस प्रेरणा के बारे में और कहीं ना कहीं जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की आपने बात की कि आपको वहाँ से इन लोगों के चरित्र को फैलाने की प्रेरणा मिले, तो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल। मैं एक दिन बैठा हुआ था। जी। मेरे मन में एक विचार आया। जी। कि मुझसे थोड़ा बहुत गाते तो बनता है। जी। और भगवान का भजन जो मैं गाता हूँ अगर देखा जाए तो रोज स्टेज प्रोग्राम कोई नहीं करता, चाहे वो कितना ही बड़ा सिंगर क्यों ना हो। जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भगवान का भजन रोज गाया जाए। जी। मैंने एक तरीका अपनाया, अपनी एक छोटी सी कार में पूरा सिस्टम जो होता है, साउंड सिस्टम है, पूरा ऑर्गन है, तबला है, सारे इंस्ट्रूमेंट है, मैं अपनी गाड़ी में डाला और मैंने एक संकल्प लिया एक वर्ष का कि मैं पूरे भारत में भ्रमण करके अपने भजन के माध्यम से धर्म का प्रचार करूंगा। तो इस हेतु जो पैसों की ज़रूरत होती है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी आपको गुजरना पड़ता होगा क्योंकि हर व्यक्ति देखिए कहीं ना कहीं उसे आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता बिल्कुल। है। तो इसलिए फाइनेंशियल चीज़ें जो है तो आपको कहाँ से प्रोवाइड होती हैं और कैसे ये? इसमें ऐसा होता है कि जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम करवाते हैं तो उसमें आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ये सारी व्यवस्थाएं लेकर के आपके यहाँ प्रोग्राम करते हैं जिस प्रोग्राम में आपके कम से कम 20,000 रुपये खर्च होते हैं, वहाँ पर आप बिना कहे 2-4,000 रुपये अपने से दे सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई आपने तरह का कार्यक्रम किया है, अपने धर्म का काम आप कर रहे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं और सारी व्यवस्थाएँ, साउंड सिस्टम, सारे जितने कलाकार हैं सब आप खुद लेकर के फ्री में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप अपने समर्पित करते हैं। बस उन्हीं से जैसे हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है तो गाड़ी में तेल भी लगता है, तो सारी व्यवस्थाएं सब हो जाता है जी, ऊपर वाले की कृपा सब चीज़ें बिल्कुल। और किसी भी धर्म प्रचार के लिए, किसी भी कथा के स्मरण और उसके उद्बोधन के लिए निश्चित तौर पर शिक्षा की भी आवश्यकता होती है, उस क्षेत्र की शिक्षा के बारे में भी बात होती है। तो आपके अगर शैक्षणिक जीवन की बात करें, आपके पिताजी जैसा कि रामचरितमानस और रामलीला में काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं जी, तो उस बारे में थोड़ा सा अपने शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। बिल्कुल। मेरी पढ़ाई तो वैसे सीधी जिले में हुई है, सरस्वती विद्यालय में मैंने वहाँ तक 9वीं तक पढ़ाई की है। इसके बाद मैं वृंदावन चला गया और वहाँ से मैं अभी शास्त्री कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया है। और घर में जो मेरे पापा जी रामला करते हैं उसमें मैं राम का अभिनय करीब 10 वर्षों से कर रहा हूँ और जहाँ भी अपना रामला होता है, जब मैं खाली रहता हूँ तो अपने भक्त प्रवाह को करने के बाद मैं रामला भी क्या करता हूँ। मतलब एक संगीतकार के साथ साथ, कथावाचक के साथ साथ आप राम के चरित्र को जी भी रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत बात कही जा सकती है आज के वर्तमान जीवन की बात अगर करें तो। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं भक्ति रस प्रवाह के बारे में तो अब तक लगभग आपने
कितने मध्य प्रदेश के कितने जिलों और भारत की बात करें तो कितने राज्यों में इसका कार्यक्रम किया है? इसमें कम से कम अभी मैं 10 राज्यों में जा चुका हूँ जी, भारत के जी। और मध्य प्रदेश में तो लगभग विभिन्न जितने अपने ज़िले हैं जी, हर जगह जाना हो चुका है। शायद कुछ ज़िले बचे हों जहाँ मैं अपने भजन के माध्यम से लोगों से मेरी मुलाकात ना हुई हो। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भगवान का भजन मैं खुद करूँ, जो मेरे साथ दो चार लोग भगवान भजन बैठकर सुनते हैं वो भी अपने मुख से भगवान का नाम लें। क्योंकि रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें नाम की महिमा है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु के नाम गुणगान मैं खुद करूँ, जो मेरे साथ बैठकर सुनते हैं वो भी अपने मुख से भले ही 2 मिनट सही भगवान के नाम का गुणगान करें। ये मेरा सबसे बड़ा धन है, बस इसी में लगा हुआ हूँ। और इसके साथ ही साथ जो आप भजन गाते होंगे, जो जिस दर्शकों को सराबोर करते हैं, हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ, कुछ भजन आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। बिल्कुल, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में चाहे जो भी हो, किसी के ऊपर आप भरोसा आंख बंद कर नहीं कर सकते हैं, एक सिर्फ परमात्मा के अलावा। किसी भक्त ने अपने भाव में लिखा है, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। केवल प्रभु एक ऐसे हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपको जीवन में कोई कष्ट हो, आप अपना कष्ट लेकर किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, वो उसका निवारण नहीं करेगा बल्कि वो आपके कष्ट को और बढ़ा देगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, अगर आप अपने कष्ट को लेकर किसी भगवान के मंदिर में गए, उनकी मंदिर के दीवार से आपने अपना मस्तक लगाकर अगर अपने आंखों से 2 आंसू बहा दिए भगवान के लिए, मैं सत्य कहता हूँ साक्षात भगवान उस मूर्ति को विदीर्ण करके आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपका भाव होना चाहिए। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान प्रत्येक खंभे में निवास करते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए हमारे पास प्रहलाद नहीं है। भगवान प्रकट कैसे हो? भगवान हैं, हम प्रकट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो प्रहलाद जैसा भाव नहीं है। भगवान तो आज भी जी, बहुत ही अद्भुत बात कही आपने। आप राम के चरित्र के बारे में काफ़ी बात करते हैं और अपने भक्ति रस प्रवाह के माध्यम से भी यही कार्य कर रहे हैं जी। भगवान राम के चरित्र के बारे में कुछ आपसे दर्शकों को सुनने को मिले तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, जो भगवान श्री राम हैं पूरे रामचरितमानस में, भगवान श्री राम एक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ और पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास तक चले गए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौशल्या माता कह सकती थी कि राम मेरा बेटा है, कैकेयी तू चाहे तो अपने बेटे भरत को राज्य दे, चाहे वनवास दे, मुझे मतलब नहीं है, राम मेरा बेटा है, वनवास नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ पर कौशल्या माता कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें एक माता का आशीर्वाद मिल गया है, तुम वन को चले जाओ, तो बेशक तुम वन को चले जाओ। हमें ये मिलता है कि हमारे माँ बाप जो कुछ भी कहें उस बात को आँख बंद कर मानना चाहिए। हम ये ना करें कि हमारे पिताजी कुछ और कहते हैं हम कुछ और करें, क्योंकि आज का हर व्यक्ति परेशान है इस बात को लेकर के कि उनके बेटे उनका कहना नहीं मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ प्रत्येक घर में ज़्यादा नहीं तो रामचरितमानस के 5 चौपाइयों का वाचन या अध्ययन घर में किसी न किसी व्यक्ति को करना चाहिए। उससे हमारा पूरा घर पवित्र रहेगा और पूरा घर हमारा एक राममय बन जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ संगीतमय हो जाना चाहिए, राम के चरित्र के बारे में, राम के चरित्र को लेकर के। बिल्कुल, जो भगवान श्री राम जी वन में गए थे जी, वहाँ पर जब उनके छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, तो वहाँ पर भगवान श्री राम सहम से जाते हैं कि उनका प्यारा भाई भरत भी छूट गया है जी। उनके आने के बाद उनके पिताजी का मरण भी हो गया है, उनकी जो भार्या सीता थी उनका हरण भी हो गया है, एक भाई बचा था उसको शक्ति लग गई है, तो इसमें करें तो करें क्या जी। तो वहाँ पर भगवान श्री राम बहुत ही प्यार से भाव प्रकट करते हैं जी। कि जो मेरा लक्ष्मण है वो आज मेरी गोद में लेटा हुआ है और वो भी बेहोश अवस्था में है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वहाँ पर भगवान श्री राम
छोटा सा भाव कहते हैं, मेरे लखन दुलारे बोल जरा बोल मत भैया को रुला रे, बोल जरा बोल चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोड़, मेरे लखन दुलारे बोल जरा बोल। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन सगा भाई दोबारा कभी नहीं मिलता जी। मतलब ये कह सकते हैं कि रामचरितमानस का, राम के चरित्र का, राम के जीवन का एक ऐसा भाग है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी दुखित हो जाते हैं, उनके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है अपने बिल्कुल विरह भाई के विरह के लिए बिल्कुल जी। तो रामचरित जो रामचरितमानस है अगर हम उसका पठन पाठन वास्तव में करें तो हमें जीने का एक सच्चा मार्ग मिलता है कि भाई से कैसे बात करना है, पत्नी की मर्यादा क्या होती है, माँ बाप की आज्ञा कैसे माननी चाहिए। हमें पूरा जीवन जीने का जो सही सलीका है, सही मार्ग है, वो हमें रामचरितमानस देता है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं लेकिन अगर आप रामचरितमानस की एक चौपाई पर अगर आप चल देंगे तो सत्य मानिए, यकीन करिए आप कि आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। और एक बात हमें लोगों से और भी पता चली कि आपके द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए भी सहायता करने का प्रयास किया जाता है, कुछ गरीब बालिकाओं के विवाह के लिए आपके द्वारा टेंट की सहायता भी की जाती है, की गई भी है जी। और लगातार कर रहे हैं जी। तो इस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और इन सारी चीज़ों को लेकर के किस तरीके से आप कार्य कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं खुद एक गरीब घर से हूँ जी, तो मैं उस परिस्थिति को समझ सकता हूँ जी। जो मैं भक्तस प्रवाह कर रहा हूँ उसमें जो मुझे लोगों से कुछ धन मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि उस धन का मैं दुरुपयोग ना करूँ, उसको मैं अपने पर्सनल कामों में खर्च ना करूँ। तो मैंने सोचा कि जो गरीब कन्याएं हैं, जो कुछ गरीब लोग हैं, अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे का अभाव होता है, मैं चाहता हूं जो मुझे पैसे मिलते हैं आप सभी दर्शकों से जहां भगवान का भजन गाता हूं, उन पैसों को लाकर मैं कुछ धर्म का कार्य करना चाहता हूं। इसलिए मैंने गरीब कन्याओं के विवाह में टेंट की सुविधा अभी फिलहाल उपलब्ध कराई है और जैसे मेरे पास पैसे आप लोग जो आते हैं ऐसे ही आते रहेंगे तो मैं कन्याओं के विवाह में बहुत सारी चीज़ें भी अपनी तरफ से दिया करूँगा। जो सामाजिक कुप्रथाओं की बात हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारी बेटियां दहेज प्रथा के चलते जला दी जाती हैं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि जैसे हम अपने बेटे को बेच रहे हैं दहेज के लोभ में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से लोग को क्या करना चाहिए, क्यों ये बुराई है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है? ऐसा मैं मानता हूँ और मैं सभी लोगों से एक प्रार्थना भी करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपके घर में कार लेकर के आए तो यकीन मानिए वो संस्कार लेकर नहीं आएगी जी। इसलिए हमेशा जो आप विवाह करें उसमें सौदा ना करें जी। कि मुझे ये चीज़ चाहिए जी। आप खुद इतने सक्षम हैं या इतने आप सक्षम हो जाएं कि किसी से कुछ लेने की आवश्यकता ना पड़े। अरे एक पिता ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? आप चाहते हैं कि मतलब एक बाप अपना सब कुछ पूरा घर बेच करके अपनी बेटी के लिए दहेज दे, उसके लिए क्या बचेगा? अरे उसने अपना सबसे बड़ा धन अपनी बेटी को तुम्हें दे दिया है, अब क्या उसको तुम जान लोगे? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो दहेज प्रथा है, जो दहेज देने का रिवाज है, इसे बंद करना चाहिए और एक अच्छे तरीके से दोनों परिवारों में विवाह हो, संबंध हो और जहाँ दोनों के विचार मिलें वहाँ विवाह हो। समधि कौन बनता है? जहाँ दोनों का सौदा पड़ जाता है उसको लोग समधि बना देते हैं। अपनी डिमांड रखी, गाड़ी चाहिए, फ्रिज कूलर चाहिए, इतना पैसा चाहिए, जहाँ सौदा पटा वो समधि बन गए। आप खुद सोचिए वो रिश्ता कब तक चलेगा, उसमें झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, वो बहू अपने सास की इज्जत नहीं करेगी। लेकिन जहां आपके विचार सम हैं, जहां आपके विचार मिलते हैं, अगर वहां रिश्ता होता है तो वहां पर आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा और हमेशा वो परिवार सुखी परिवार रहेगा। और प्रेम एक बहुत ही अद्भुत शब्द है, प्रेम संपूर्ण संसार को बांधने वाला शब्द है। ये एक ऐसा चरित्र है जो हर व्यक्ति के भीतर समाया हुआ होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय की प्रेम की अगर बात करते हैं तो ये एक छल है, ये एक छद्म की तरीके से लोगों के बीच देखा जाता है, एक कहीं ना कहीं भावनात्मक संबंध के तौर पर देखा जाता है और ये प्रेम असफल भी होता है। लेकिन वास्तविक में प्रेम जो है तो वो कभी असफल होता ही नहीं है,
जो कृष्ण का चरित्र है जो प्रेम को स्वयं में समेटे हुए है, इस चरित्र के बारे में और वर्तमान समय में लड़कों और लड़कियों के बीच के प्रेम के बारे में जो बातें देखने को मिलती हैं, उस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आप अवगत कराएं। जी बिल्कुल, जो भगवान कृष्ण का प्रेम था और श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने अध्ययन किया है, उसमें लिखा है कि प्रेम कई तरह के होते हैं। जी, अगर हम सामने वाले से प्रेम करते हैं और सामने वाला भी हमसे बदले में प्रेम करता है, इस प्रेम में स्वार्थ होता है। जी, अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ और बदले में हमसे वो भी प्रेम करता है, इस प्रेम में स्वार्थ होता है। अगर मैं सामने वाले से प्रेम करता हूँ, सामने वाला मुझसे प्रेम बिल्कुल भी नहीं करता, वास्तव में ये प्रेम होता है। और मैं सामने वाले से प्रेम करूँ, सामने वाला मुझसे प्रेम ना करे, बदले हमें तकलीफ और दे, ये भी प्रेम नहीं होता। तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, बदले में हम उससे प्रेम की अपेक्षा ना करें, वास्तव में प्रेम तो ये है। अगर आजकल क्या चल रहा है, किसी ने किसी को प्रपोज किया, उसने भी देखा कि लड़का अच्छा खासा है, अच्छे घर का है, पैसा वैसा है, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कह दिया, यहाँ पर स्वार्थ है। और कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते जिस रिश्तों में स्वार्थ होता है, वो रिश्ते बिल्कुल नहीं चलते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये फालतू की बातों में किसी के बहकावे में ऐसे ना आए, क्योंकि ऐसी बातों में जो फंस जाते हैं उन्हें बाद में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम तो भगवान से होता है, ये तो लोग ऐसे ही छलावा मात्र करते हैं। और प्रेम के विषय में कहा भी गया है कि तुम कौन इसी पार्टी पढ़े हो, लला मन लेहूं पर देहूं छटागे नहीं। तो प्रेम एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जो कुछ भी लेने के समर्थन में होती ही नहीं है, तो सर्वस्व समर्पित करने का एक भाव है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति हो सकता है। बिल्कुल। और अब हम श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में, उनसे प्रेम से जुड़े हुए चरित्र के बारे में कोई भजन सुंदर सा दर्शकों के लिए आपके मुखमंडल से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, अभी मेरा एक नया भजन आने वाला है और अभी जो अविनाश भाई की फिल्म आ रही है उसमें ही मैंने एक बहुत ही प्यारा सा गीत गाया है, उसमें ही मैंने गाया है। और जो भैया की एक फिल्म बहुत हिट गई थी शौचालय एक प्रेम कथा, जिसका लव सॉन्ग बहुत ही फेमस हुआ था, उसको भी मैंने गाया था, मैंने उसको लिखा भी था, मैंने गाया भी था। और भैया के कहने पर जो अगली फिल्म आ रही है उसमें मैंने एक गाना लिखा है। तो लगभग प्रेम सभी एक है, बस मैं चाहता हूँ कि लोगों का भाव बदल जाता है, बाकी सारी चीज़ें एक ही हैं। तो उसमें जो मैंने एक अभी भजन लिखा है, जो मेरा भजन आने वाला है, वो कुछ ऐसा है। नैन लगा के तुझसे ये क्या हो गया, ऐ श्याम तेरी गलियों का दीवाना हो गया, ऐ श्याम तेरी गलियों का दीवाना हो गया। तो इस तरह के भजन मैं जब बैठता हूँ, खाली जब रहता हूँ अपने भक्त प्रवाह से, तो मैं कुछ ऐसी रचनाएं अपनी कलम से लिखता रहता हूँ। और मैं भगवान से सच्चे दिल से प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भगवान से ऐसे ही प्रेम करें और कुछ ना कुछ उनके बारे में जानते रहें, गुनगुनाते रहें। और मस्ती का ही नाम प्रेम है, मस्ती का नाम ही ईश्वर की भक्ति है। बिल्कुल। और इस भक्ति में लगातार खुद को रसपान करते रहना चाहिए, यही एक भाव है आपकी आज की चर्चा का। और कार्यक्रम के अंत में एक सुंदर सा भजन दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आपके द्वारा सुनाया जाए। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को बस आखिरी में दो लाइन में सुनाना चाहूँगा, सभी को सभी अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जो हमारे अनुपम भाई जी हैं द खबरदार न्यूज़, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बिंध के जो पूरे अपने क्षेत्र के जो भरते हुए कलाकार हैं या जो भी हैं, तो इनका काम है कि बड़े स्टारों का जो इंटरव्यू है सभी लिया करते हैं, लेकिन हर जगह से पुष्प चुन कर के लाना और एक अच्छी सी माला गूंथ करके बनाना, द खबरदार न्यूज़ ने ऐसी ये योजना चल रही इनकी जो सभी लोगों को कर रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे अनुपम भाई जी को और जितने भी लोग हैं आपके इसमें, सभी को बहुत बहुत शुभकामना है, शुभाशीष है कि आप सभी ऐसे ही कार्य करते रहें, बहुत आगे तक जाएं और आपके न्यूज़ चैनल का नाम ऐसे ही चलता रहे। मैं बस दो लाइन एक गाना सुनाना चाहूँगा। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी
सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और किसी ने कहा ऐसे गीत के माध्यम से, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्योंकि वो पीना भी क्या पीना कि शाम को पिए और सुबह उतर जाए। जो लोग पीते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, वो पीना भी क्या पीना कि शाम को पिए और सुबह उतर जाए। अगर पीना है तो प्रभु की भक्ति का जाम पियो, नशे में सारी जिंदगी गुजर जाए। नशा ऐसा हो अगर एक बार आपको चढ़ जाए वो मृत्यु पर्यंत तक उतरे ही नहीं। इस जो नशा बोतल का होता है कुछ घंटों का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर ये नशा करने से दो चार महीने चढ़ ही रहे, मैं खुद कहता हूँ पिया करो, लेकिन जब कुछ मिनट में उतर जाता कोई मतलब ही नहीं। तो आप ऐसा नशा करिए प्रभु की भक्ति का कि जिसका आपको एक बार नशा चढ़ जाए आपके मरने तक वो उतरे ही नहीं। बस सभी को जय श्री राम। अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द खबरदार न्यूज आपके इस भक्ति रस प्रवाह के लिए निरंतर शुभकामनाएं देता है। इसी तरीके से आप धर्म प्रचार करते रहें और धर्म कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद द खबरदार की तरफ से। ये थे हमारे साथ अभिषेक रसिक जी, जो धर्म और भक्ति के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक प्रभु के भाव को पहुँचाते हैं। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।